नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। टिरमिनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरड गांव, जो कि हरदा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत हरड गांव में 4500 वोटर हैं और लगभग 12000 की जनसंख्या है, जिसे तहसील का दर्जा मिले हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। यहां कृषि उपज मंडी है, बहुत बड़ा मार्केट है, जहां छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। परंतु ग्राम पंचायत होने के कारण यहाँ कुछ मूल सुविधाओं का अभाव है, अतः यहाँ के आमजन यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायत हरड गांव को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे यहां मूलभूत सुविधाओं में और विकास कार्य में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। यदि हरड गांव नगर पंचायत बनता है तो यहां ग्राम का विकास और सुविधाएं बढ़ जाएगी और ग्राम पंचायत, गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु सभी चाहते हैं कि हरड गांव जल्दी से जल्दी नगर पंचायत बन जाए। राठौर जी, व्यापारी मंडल अध्यक्ष हरड गांव जी, जैसे आप ग्राम पंचायत रेहड़गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है जो इस तरह का विचार आपने व्यक्त किया और मीडिया के माध्यम से इस तरह की आपने चर्चा लेके आए हो, ये बहुत ही समर्थन का विषय है। और व्यापारी मंडल का रेहड़गांव ग्राम की जनता भी इस तरह का कोई विषय चाहती है। जैसा कि आपने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय से भी जानकारी चाही कि अगर रेहड़गांव को नगर पंचायत बनाया जाए तो आपके विचार क्या हैं, तो निश्चित ही इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा परिवेश है इस समय रेहड़गांव का, कहीं ना कहीं परिवर्तन की दरकार है। और अगर रेहड़गांव को हरदा ज़िले में, मध्य प्रदेश में अगर विकास की शाखा से अगर जोड़ना है तो निश्चित ही यहाँ नगर पंचायत की दरकार है। और पूरा क्षेत्र चाहता है, रेहड़गांव के सारे नागरिक लोग चाहते हैं, व्यापारी चाहते हैं और जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं। और इससे पूरे क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा और रेहड़गांव तहसील पहले से यहाँ पे ITI, छात्रावास, तहसील ऑफिस, तमाम फॉरेस्ट के ऑफिस हैं 3-4 क्षेत्रों के। तो हम चाह रहे हैं कि वो शीघ्र से अति शीघ्र इसको नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में।